हेलो फ्रेंड्स, आओ पढ़ले चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि जैसे नंबर हमें दिए रहते हैं, संख्या हमें दी रहती है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रेशियो में दी रहती है, तो उनको किस तरह से काटा जाए, मतलब कैसे उनको कैंसिल आउट किया जाए, कैसे उन्हें एक सिंपल फ्रैक्शन में ऑब्टेन किया जाए, ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास में 58/4 लिखा हुआ है। अब 58/4 को मैं छोटे से छोटे रेशियो में डिवाइड करना चाहता हूँ कट करके, तो उसे कैसे किया जाएगा? तो टेबल्स इजी, जो स्टार्टिंग के टेबल्स होते हैं छोटे नंबर्स के, जो इजी टेबल्स होते हैं वो तो हम सबको पता ही होते हैं, तो हम टेबल्स का यूज़ इसमें लेंगे। जैसे हमें देख रहा है कि इसके न्यूमरेटर में भी इवन नंबर है और डिनोमिनेटर में भी इवन नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, तो 2 से ही दोनों ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, कैरी का 1, 2 9 ज़ा 18, अभी 29/2 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर 29 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली से डिवाइड नहीं हो सकता। तो या तो आप इसको 29/2 लिख कर छोड़ दीजिए, और या फिर इसको डेसिमल में कट कर दीजिए। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8.5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका हमारा आंसर आ गया 14.5। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है 848/16। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पे हमें इवन नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 मिल गया। 848 को 2 से डिवाइड किया, 424 मिल गया। फिर से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही इवन नंबर मिल गए। फिर से 2 से स्टार्ट किया, 2 1 2 4, फिर से 2 से 2 2 ज़ा 4 1 0 6। अब ये देखिए नीचे बस 2 बच रहा है और ऊपर मेरे पास में 106 बचा है। अब 106 को मैं 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, 2 1 ज़ा 2, और 106 मुझे दे देगा 54। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 54, मतलब 848 पूरी तरह से 16 से डिवाइड हो चुका है। एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 525/10। इसमें आप देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है उसका यूनिट प्लेस जो है वो एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, और अपॉन में 10 है। तो हम एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिससे ये 525 और 10 दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं। सबसे छोटा नंबर जो हमको मिलेगा वो समझ में आएगा कि 5 से डिवाइड करके देखा जाए। करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 0 5। अब 105/2, या तो आप इसको 105/2 करके लिख दीजिए, या फिर इसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ले आओ, तो ये हो जाएगा 52.5, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से काटा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें कैसा है कि न्यूमरेटर में 144 है और डिनोमिनेटर में 6 × 3 आ रहा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो 144 एक इवन नंबर है और 6 भी एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम 2 से इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। 144 को 2 से डिवाइड किया, 72, 6 को किया 3। अब 3 यहाँ पर भी है, 2 3 हमें नीचे मिल गए। पहले 1 3 से 72 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं जाता है क्या। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, चला गया। अब 24 3 के टेबल में आता है, फिर से हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8। इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ा से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 15 × 16 × 20/4 × 3 × 40। इस तरह के क्वेश्चंस में आप पहले ये देख लीजिए कि जो सबसे छोटे नंबर दिए हुए हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में दिए हो या डिनोमिनेटर में दिए हो, क्या उनके टेबल में जो बड़े नंबर दिए हुए क्वेश्चन में वो एग्जिस्ट आते हैं क्या? मतलब कि जैसे 4 के टेबल में ऊपर में किसी एक नंबर का एग्जिस्टेंस है या 2 नंबर का है, 3 के टेबल में ऊपर या नीचे से किसी एक नंबर का एग्जिस्टेंस है, जिस भी तरह से चेक कर सकते हो आप कर लीजिए। जैसे मैंने देखा 4 के टेबल में 16 आता है, मैंने तुरंत 4 से 16 को 4 टाइम्स कट कर दिया। फिर मैंने देखा 4 के टेबल में 40 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। फिर मैंने देखा 10 के टेबल में 20 आता है, ये लीजिए 2 कट गया। फिर 3 के टेबल में क्या आ जाता है, 15, 5 टाइम्स, कितना इजी हो गया, 5 2 ज़ा 10, इसका आंसर आ गया। इसके बाद का देखते हैं एक और एग्जांपल। देखिए 24 × 75 × 50/10 × 16 × 40, फिर से वही चेक किया कि जो सबसे छोटे नंबर है उनका बड़े नंबर के साथ में कोई रिलेशनशिप है क्या। ये देखा 10 के टेबल में 50 आता है 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 48 टाइम्स आता है, मैंने कट कर दिया। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, मैंने कट कर दिया। अब और कुछ नहीं कट हो रहा है,
क्योंकि 75 16 के टेबल में नहीं आता और 3 के टेबल में 16 नहीं आता, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3 × 75 आ जाएगा, जो कि होता है 5 × 3 = 15, 5 × 1 carry, 7 × 3 = 21, +1 = 22/16, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो सिंपल डिवाइड करने के क्वेश्चन थे, नंबर को काटने का जो तरीका था वो समझा, किस तरह से उसे ईजी बना के काटा जाता है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कभी भी कहीं गलती नहीं होगी मैथमेटिक्स में, और आपके क्वेश्चन के आंसर एकदम सही आएंगे। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने नंबर को कट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।